सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नगर परिषद सभागार में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मांडल विधायक उदयलाल भड़ाना, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंत्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश भर में सघन पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है। आजादी के बाद में पहली बार इतना बड़ा वृक्षारोपण का महाअभियान माननीय प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में पूरे देश भर में शुरू हुआ और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी आने वाले 5 वर्षों में लगभग 50 करोड़ पौधे लगाने का निर्णय किया है। मैं आप सबसे आह्वान करता हूँ कि पौधारोपण इस महाअभियान को युद्ध स्तर पर गति देते हुए सफल बनाए ताकि आने वाले समय में पर्यावरण के संतुलन को बरकरार रखा जा सके। मैं आपको इतना आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी मॉनिटरिंग है, प्रधानमंत्री जी का भी सपना है, मुख्यमंत्री जी का भी सपना है, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम लोग काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। अगर कहीं शिकायत आती है उसकी निश्चित हम लोग कार्रवाई करते हैं। सेनापति जब मजबूत होता है तो उसके पीछे सिपाही बड़ी मजबूती से काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मजबूत सेनापति हैं और उनके नेतृत्व में राजस्थान के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सभी विधायकगण, सभी मंत्री परिषद के सदस्य राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं।